हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद भूमि। और कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको नवरात्रि में खाने वाली व्रत के लिए साबूदाने की खीर बनाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले साबूदाने को आप रात में भिगो के रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रखा था और ये साबूदाना हमारा पूरी तरह से फूल चुका है। अब इसको बनाने के लिए हमने एक पैन लेना है और उसमें अपनी इच्छा अनुसार दूध ले लेना है। दूध फुल क्रीम लेना है। मैंने इसमें 2 गिलास दूध डाला है और लगभग 1 गिलास के लगभग पानी लिया है। अब हम इसमें 2-4 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, मैंने अपने स्वाद के अनुसार 4 चम्मच चीनी लिए। अब हम इसको हाई फ्लेम करके गैस पर पकाएंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, बनाइएगा ज़रूर व्रत में। ये देखिए हमारा ये दूध जो है वो पूरा बॉईल हो गया है। ये देखिए, अब हम बॉईल जब ये हो जाएगा तब हमने इसमें सारा साबूदाना अपना डाल देना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आप किचन में खड़े हुए हैं तो उसको हाई फ्लेम पर बराबर चलाते रहिएगा, लेकिन अगर आप कहीं और कुछ काम भी कर रहे हैं साथ में तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा या मीडियम रखिएगा, हाई मत रखिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी बनकर और नीचे से जल जाएगा। ये देखिए पूरी तरह से हमारा साबूदाने की खीर तैयार है। मुझे इसे बनाने में हार्डली 10 मिनट्स लगे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, आपको ऐसे पता चलेगा खीर बन गई है। देखिए जब मैंने ऐसे किया तो इसके ऊपर कोटिंग आ रही है दूध की और मैंने एक लाइन बना दी है। ये देखिए, इसके माने हमारी खीर के लिए जो हमने बनाया है वो बनकर तैयार है। बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, एक भी दाना इसमें टूटा हुआ नहीं है। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं और छोटे बच्चों को भी बहुत आराम से खिला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नई रेसिपी में। और मेरे चैनल को प्लीज़, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।